जेवर के मेन चौराहे पर आज सफाई कर्मियों एवं वाल्मीकि समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मियों ने अपनी गाड़ियां रास्ते में खड़ी करके जाम लगा दिया और सड़क पर कूड़ा डाल दिया तथा हाथ में झाड़ू आदि लेकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। तो बीते कुछ दिनों पहले इलाज के दौरान हुई एक महिला की मौत के बाद जो पीड़ित पक्ष है आज वो असंतुष्ट नजर आया। आज पुलिस महकमे में जाकर सीओ जेवर से काफ़ी देर तक चर्चा चली। आप देख सकते हैं कि असंतुष्ट जो पीड़ित थे वो अब यहाँ जेवर के मेन चौराहे पर आ गए हैं और सभी ने अपना अपनी तरह से जाम लगा दिया है। सभी लोग जाम लगाने के बाद यहाँ पर काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, गुस्से स्वभाव में हैं। हालांकि प्रशासन ने यहाँ इकट्ठा होकर इन सभी को समझाने की कोशिश की थी। पूरा पुलिस महकमा यहाँ मौजूद था, जाम खुलवाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। अब पुलिस, आप देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मियों का एक पूरा जत्था है, पूरे जेवर के सफाई कर्मचारी भी हैं, वो अपने अपने यंत्रों के साथ अपने अपने वाहन अपने रिक्शाओं के साथ में यहाँ पर मौजूद होने शुरू हो गए हैं। पुलिस के अभी बात चल रही थी, पुलिस से कितनी चल रही है, ऐसे टार मार रहे हैं सब, कोई भी नहीं सुन रहा। हमारी 5 दिन हो गए, 5 दिन का कोई सुनवाई नहीं है, हमारी लौंडियाँ मर गई और कोई भी सुनवाई नहीं है। आरोप है कि इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि पुलिस द्वारा आरोपियों को सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण आज वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा होकर सीओ ऑफिस पहुंचे। काफी देर तक सीओ जेवर और पीड़ित समुदाय के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन संतुष्ट न हो पाने के कारण वाल्मीकि समाज के लोग चौराहे पर पहुंच गए और चारों ओर रास्ता जाम कर दिया। इसी बीच कांग्रेसी प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया मौके पर पीड़ितों के बीच पहुंचे और सीओ जेवर से बातचीत की, जिसके बाद पीड़ितों की मांग पूरी होने के आश्वासन पर जाम खोल दिया गया। बात हुई थी सीओ साहब को, मैंने बोला कि प्रियंका गांधी जी से आपकी बात कराता हूं, तो उन्होंने मना कर दिया बात करने के लिए सीओ साहब ने। चलिए देखिए, भारत का जो गरिमापूर्ण संविधान है, कानून है, हम उसकी इज्जत करते हैं। बाबा साहब का लिखा हुआ जो संविधान और कानून है, उसके साथ में हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन भी कानून और संविधान की इज्जत करे, कानून और संविधान को तवज्जो दे। आज जो विनोद जी हैं, उनकी बेटी की जो हत्या हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितना दलितों पर अत्याचार है, NCRB के आंकड़े बताते हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो आज ग्रेटर नोएडा के अंदर जो NCR के अंदर आता है, वहाँ पर इस प्रकार की दलित बेटी की जानबूझकर यहाँ पर हत्या की गई, तो हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आज एक मानवता के नाते आया हूँ, कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया। और यहाँ पर अगर पीड़ित पक्ष को, विनोद जी को न्याय नहीं मिलता, तो हम प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ जेवर के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर। ये हम बताना चाहते हैं, प्रशासन को चेताना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि अभी हमको बताया गया है, मेरी बात जो सीओ साहब से हुई थी, अकॉर्डिंग टू लॉ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू IPC SC ST एक्ट जो लगना चाहिए था वो
तुरंत प्रभाव से नहीं लगाया गया। मामला बड़ा क्रिटिकल था, जिस प्रकार हत्या की गई बेटी की, जानबूझकर हत्या की गई, लेकिन जब प्रदर्शन यहाँ के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने यहाँ पर किया, तो मैं समझता हूँ गूंगे बहरे प्रशासन और सरकार के कानों में आवाज़ पहुँची। और यहाँ पर मैं आज आया हूँ तो आज आश्वासन दिया है सीओ साहब ने कि SC ST एक्ट हम मेंशन करेंगे। मैंने उनको थोड़ा याद भी दिलाया कि सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसका पालन करना पुलिस का कर्तव्य बनता है, संविधान की पालना करना पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों पर FIR दर्ज होने के बाद कार्यवाही के तहत गिरफ्तारी हो चुकी है। यदि इसके बावजूद पीड़ित समुदाय असंतुष्ट है तो विवेचना की जाएगी और अग्रणी कार्यवाही की जाएगी। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।